ब्लैक विडो के मूवी में कई सारे न्यू कैरेक्टर्स डेब्यू करने वाले, तो इन न्यू कैरेक्टर्स में से हम रेड गार्डियन के बारे में बात करेंगे। कॉमिक में 7 लोगों ने रेड गार्डियन की आइडेंटिटी अडॉप्ट की है, लेकिन इस मूवी में हम सिर्फ एक रेड गार्डियन को देखने वाले, वो है एलेक्सी शास्त्र को। तो इस वीडियो में हम इस कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी और रेड गार्डियन की कॉमिक बुक हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कैरेक्टर मॉस्को में बॉर्न हुआ था। ये सोवियत यूनियन का बेस्ट पायलट था और इसके वजह से सोवियत यूनियन ने कुछ एयर बैटल्स भी जीते। एलेक्सी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स के वजह से उसे काफ़ी बार सीक्रेट और डेंजरस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया। इसके बैटल और मिशन के वजह से सोवियत यूनियन का हीरो था। ये इस करियर में भी सक्सेसफुल था और उसके प्राइवेट लाइफ में भी। इसकी शादी नताशा से हुई थी, जिसे हम एज ब्लैक विडो जानते हैं। एक दिन केजीबी ने डिसाइड किया कि एलेक्सी के स्किल्स कहीं और यूज़ करने का, और उसके लिए एक स्पेशल मिशन सेलेक्ट किया। एलेक्सी ऑलरेडी एक मिशन पे था, तो वहाँ पे उसे बताया गया कि उसका ये प्लान कैंसिल हो गया और उसके लिए कुछ और प्लान्स है। इस प्लान के मुताबिक वो अब से अपने फ्रेंड्स और वाइफ को कभी कांटेक्ट नहीं करेगा और वो अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाएगा। फिर इसे सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। एलेक्सी का डिसअपीयरेंस कवर करने के लिए सोवियत ऑफिशियल्स ने नताशा और बाकी सबसे कहा कि एक रॉकेट टेस्टिंग के टाइम पर उसकी डेथ हो गई। केजीबी ने एलेक्सी को ट्रेन किया और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर हो गया। इस ट्रेनिंग में उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई। ट्रेनिंग खत्म होते ही इसने रेड गार्डियन की आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ली, जो सोवियत यूनियन के लिए कैप्टन अमेरिका का काउंटर पार्ट था। एक मिशन के दौरान रेड गार्डियन ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका से मिलता है। यहाँ पे ब्लैक विडो को रेड गार्डियन की आइडेंटिटी पता चलती है और वो कैप्टन अमेरिका को चैलेंज करता है, ये प्रूव करने के लिए कि वो ज़्यादा पावरफुल है। इस मिशन में रेड गार्डियन ब्लैक विडो की जान बचाता है और खुद मर जाता है एक्सप्लोजन में। कुछ सालों बाद एलेक्सी वापस आता है, पर ये एक्चुअल में एक रोबोट रहता है। वापस आने के बाद ये रॉनिन की आइडेंटिटी अडॉप्ट करता है। तो ये थी इस कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी। अब इसकी कॉमिक बुक हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कॉमिक में टोटल 7 कैरेक्टर्स ने रेड गार्डियन की आइडेंटिटी अडॉप्ट की है। तो फर्स्ट रेड गार्डियन ने डेब्यू किया था नेमार द सबमरीनर इशू 1 कॉमिक में, और इसे क्रिएट किया था माइक और डेना थॉमस ने। ये कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर इसकी डेथ हो जाती है एक एक्सपेरिमेंट में। सेकेंड कैरेक्टर जिसने रेड गार्डियन की आइडेंटिटी अडॉप्ट की है वो था एलेक्सी, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। कैरेक्टर को क्रिएट किया था जॉय और रॉय थॉमस ने, और इसका फर्स्ट अपीयरेंस था अवेंजर्स इशू 43 कॉमिक में, जो अगस्त 1967 में रिलीज हुई थी। एज रॉनिन इसका फर्स्ट अपीयरेंस था विडो मेकर इशू 1 में, जो फिफ्थ 2011 में रिलीज हुई थी। सारे रेड गार्डियंस की पावर्स की बात करें तो ये सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है। इन 7 में से एक तो रोबोट है, एक अपने शील्ड के साथ एनर्जाइज शॉट यूज़ कर सकता है, और 2 के पास सुपर पावर है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, वो उड़ सकते हैं और फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये थी रेड गार्डियन की कॉमिक बुक हिस्ट्री और ओरिजिन स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।